अमायिक माइक अपने अनुज, क्योंकि मैं स्वयं ब्रह्मचारी और योगी जी भी ब्रह्मचारी, अपने अनुज आयुष्मान आदित्यनाथ योगी को दे रहा हूं, फिर रितंभरा जी को, फिर मेरी कथा होगी। योगी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आयुष्मान आदित्यनाथ योगी जिनके कुशल नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन चुका है। एक सरकार थी जो कार्यसेवकों पर, राम भक्तों पर गोलियां बरसाती थी, और एक ये सरकार है योगी सरकार जो राम भक्तों को पलक पावड़े बिछाकर फूलों से स्वागत कर रही है। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करता हूँ कि परम पूज्य जगत गुरु अमृत महोत्सव की अमृत वेला पर आत्मों का प्रकट करें। परिणाम ही हमारे ऊपर कैसे स्वतः
प्रकृति और परमात्मा की कृपा कैसे बनती है, काशी हो या अयोध्या, प्रयागराज हो या चित्रकूट, बद्रीनाथ धाम हो या केदारनाथ धाम, महाकाल का महारूप हो या फिर सोमनाथ का धाम, सर्वत्र यह दर्शन आज हर सनातन धर्मावलंबी को होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाई जनवरी के ऐतिहासिक तिथि का सबको इंतजार है और मेरी विनम्र अपील होती है आप लोगों से, जगत गुरु के समय महोत्सव समारोह में आप सब पधारे, ये आप सबका सौभाग्य है कि आपको पूज्य जगत गुरु के स्वरूप से प्रभु की इस कथा का श्रवण करने का आनंद भी प्राप्त हुआ है। इतनी भीषण शीतलहर की बहार है और हजारों की संख्या में आकर के कई कई दिनों से यहां रुक करके यह भी एक साधना है और जगत गुरु के सुख से प्रभु की कथा का श्रवण करने का आनंद भी आप ले रहे हैं। पूरी कथा में जब आप देखेंगे प्रभु तो सर्वव्यापी सर्वेश्वर है, उनके लिए एक तिरंगा भी नहीं हिल सकता, लेकिन जीवन में मर्यादा और संयम का क्या महत्व होता है यह पाठ भी प्रभु ने हम सबको सिखाया। इस अयोध्या जो कई वर्षों तक कई शताब्दियों तक उपेक्षा को जीती है, अपमान कथन से सही है बर्दाश्त की है, आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नई अयोध्या के दर्शन हो रहे हैं तो देश और दुनिया अयोध्या आने के लिए उत्सुक भी है, आतुर भी है, पूरे संयम के साथ पूरे मर्यादित तरीके के साथ हम सबको अयोध्या में सभी अतिथियों को आने, उनके स्वागत करने और उन्हें मां बाबा के दर्शन करने का सौभाग्य ही प्राप्त हो इसके लिए व्यवस्था बनानी चाहिए। कोई भी ऐसा कार्य न करे जो संयम और मर्यादा का उल्लंघन माना जाता हो, यह अवश्य ध्यान रखेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबकी शुभेच्छा से अयोध्या अपने नाम के अनुरूप अपने आप को साबित करेगी। मैं आज के इस अवसर पर जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी रामानंदाचार्य जी को उनके पावन महोत्सव अमृत महोत्सव के इस पावन अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से, प्रदेश की जनमानस जनता की ओर से उनका हृदय से निमंत्रण करता हूं, उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करता हूं, जिन्हें वह संघर्ष भाव के साथ एक लंबे समय तक उनका मार्गदर्शन और उनका आशीर्वाद प्रदेशवासियों पर सनातन धर्मावलंबियों पर बना रहे, इस विश्वास के साथ प्रभु नाम से उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। जय सीताराम। मैं भी अपने आयुष्मान मोदी जी को यहां से थोड़ा थोड़ा थोड़ा